देश की प्यारे मित्रों एवं भाइयों एवं बहनों, मैं आप सबको आज एक बहुत ही महान नेता, बहुत ही महान वीर और बहुत ही महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की एक जीवन से जुड़ा वाक्य मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ। जरूर ये आपको पसंद आएगा। पसंद आने पर चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली कहानियां आपको सबसे पहले मिलती रहे। बात कुछ उस समय की है जब छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों से युद्ध कर रहे थे और वो युद्ध करते करते एक भयानक जंगल में फंस गए। जंगल में फंसने के बाद शिवाजी को कुछ इस प्रकार भूख लगी कि उनको भूख की कुछ ज्यादा ही तलब बढ़ने लगी। तलब बढ़ते बढ़ते शिवाजी एक भोजन की तलाश में जंगल में इधर उधर भटकते रहे। भटकते भटकते उन्हें एक बुढ़िया की झोपड़ी दिखी तो शिवाजी के चेहरे पर मुस्कान आई और उन्हें जरूर लगा कि वहां जाने पर उन्हें कुछ ना कुछ खाने को जरूर मिलेगा। तो शिवाजी वह सोचकर उस बुढ़िया की झोपड़ी की तरफ बढ़े और वहां उन्होंने उस बुढ़िया के सामने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि माँ, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ और मुझे कुछ खाने को दोगी। तो बुढ़िया ने भी बड़ी ही चाह से शिवाजी को बैठाया और उन्हें खाना खिलाने के लिए उनके सामने खिचड़ी परोसी। तो खिचड़ी कुछ ज्यादा गर्म होने की जगह शिवाजी भी कुछ दिनों से भूखे ज्यादा होने की वजह से उन्होंने खिचड़ी में हाथ डाला और हाथ डालने की वजह से उनकी उंगलियां जल गई। ये बात बुढ़िया देख रही थी। बुढ़िया ने देखते देखते शिवाजी की तरफ देखा और कहा कि सकल में तो तू शिवा जैसा है, बट मूर्खता भी उसी की तरह कर बैठा। ये चीज शिवाजी को एक दिमाग में लगी तो शिवाजी ने भी बुढ़िया से पूछ लिया कि माँ, मैंने मूर्खता की ये मैं मानता हूँ, बट शिवा जैसी मूर्खता क्या है? ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। तो बुढ़िया ने सीधे ही सरल बातों में उनको समझाया और जवाब दिया कि जिस तरह तूने किनारे से खिचड़ी खाने की बजाय खिचड़ी के बीच में हाथ डाल के हाथ की उंगलियां जलाई, उसी तरीके से शिवा को भी छोटे किले मुगलों के जीतने की जगह बड़े किलों पर धावा नहीं बोलना चाहिए, इस कारण वो हारता है। तो ये बात शिवाजी को वहाँ एकदम सटीक समझ में आ गई। तो उन्होंने वो खिचड़ी खाई। खिचड़ी खा के बुढ़िया का धन्यवाद दिया और आगे अपने किलों में आकर आगे की रणनीति उन्होंने कुछ इस प्रकार तैयार की कि हमें मुगलों के छोटे छोटे किले, छोटी छोटी जो चीजें होती है उन्हें ध्वस्त करना चाहिए, उस प्रकार हम युद्ध में रणनीति से जीत सकते हैं। तो मित्रों, ये कहानी कुछ इस प्रकार से है कि हमें जीवन की कोई बड़ी चीज हासिल करने के लिए सबसे पहले हमें छोटी चीजों पर ही अपनी विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। तो इस कहानी से मित्रों आपको सीख मिलती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ये कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ी वाक्य की एक कहानी थी जो हमें भी सीख देती है। तो इस प्रकार आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं। कहानी पसंद आने पर इसे दो लोगों के बीच शेयर जरूर करिएगा। खुश रहिएगा। धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।